आइए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आप कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9-9 सेकंड में। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आ रहे यात्रियों के लिए कोविड की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। यात्रा शुरू करने के अधिकतम 72 घंटे की रिपोर्ट ही मान्य। कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए एक्शन में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मानसुख मंडाविया। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के काम का खुद किया निरीक्षण। कहा कि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए इसलिए स्क्रीनिंग की जा रही है। अमेरिका, जापान, इजराइल, भारत, इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और पाकिस्तान ने भी बढ़ाई सख्ती। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चीनी यात्रियों की टेस्टिंग शुरू की। चीन में हाहाकार के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 173 नए केस। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की भी हुई मौत। देश में कोरोना का इन्फेक्शन रेट हुआ कम। केरल में सबसे ज्यादा 83, कर्नाटक में 46, महाराष्ट्र में 30, दिल्ली में 14 और तमिलनाडु में कोरोना के 15 केस मिले। चीन में तबाही मचाने वाला BF.7 वेरिएंट नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में ले सकता है एंट्री। रोजाना चीन ट्रक लेकर पहुंच रही है नेपाल, चीनी ट्रक लेकर पहुंच रहे हैं नेपाल। उत्तराखंड में बढ़ाई गई है निगरानी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।